कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मधुबनी में तिरंगा यात्रा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलाम्बर झा ने पार्टी का झंडोत्तोलन कर कांग्रेस जनों को शुभकामनाएं दी। जिला कार्यालय से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। आप लोग सब तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वीं स्थापना दिवस के अवसर पे मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की गई है। पार्टी कार्यालय में सर्वप्रथम झंडोत्तोलन कर कांग्रेस जनों को शुभकामना दी गई है, बधाई दी गई है। फिर जिला के 5 वरिष्ठ कांग्रेस जनों को सम्मान कार्यक्रम मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग दोपटा और चादर से सम्मान किया गया, माला पहना करके। देश की एकता और अखंडता के लिए आज कांग्रेस जनों ने फिर से संकल्प लिया है। आगे की कार्यक्रम अब हम लोगों की तिरंगा यात्रा कार्यक्रम है, जो आम जनगण के बीच कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य और आम जनों को यह संदेश देने के लिए आज तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। जो देश में जो विघटनकारी ताकतें देश के चारों ओर सीमा के ऊपर जो गलत नज़र से देख रहे हैं, आज युवा और युवती, किसान, मजदूर सभी तरफ हैं, उनको यह संदेश देना चाहते हैं आम जन को, जो कांग्रेस की स्थापना के लिए देश की आज़ादी की लड़ाई में जो अहम भूमिका रही है, उसी को याद करते हुए आज स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।